नमस्कार। सो कल हरियाणा का राउंड टू का रिजल्ट आ गया, काफ़ी शॉकिंग था। देख कुछ चीज़ें तो ऑब्वियस थी कि हमें पता था कि हर बच्चा ऊपर जाएगा बिकॉज अपग्रेडेशन अलाउड हो गया है, लेकिन यू नो SGT में जब मैं देखता हूँ तो एक दो नहीं, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 500 से ऊपर वाले जिन्होंने SGT को चूज़ करा है, मतलब 500 से ऊपर, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। 565, 541, 521, 518, 463, 407 एंड 397, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बच्चे ऐसे। अब भगवान करे सातों बच्चे जेन्युइन हों और सीट लेने के लिए उन्होंने कराओ, लेकिन जितना मैं समझता हूँ इनमें से मेजोरिटी हो सकते हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट्स या बच्चों को यूज़ किया गया है सीट ब्लॉकिंग कराने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों के नंबर कम होंगे और वो उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे काउंसलिंग में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे डेस्परेशन में आके आप में से मेजोरिटी जो अभी तक खाली बैठे हो कोशिश करेंगे राउंड 3 में ही सीट को पकड़ने की। ओके, तो फिर जिसके थोड़े कम नंबर है जैसे कोई 260 वाला 220 वाला वो SGT लेना चाहता है तो वो ये करवाते हैं खर्चा करके, और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि राउंड 4 हरियाणा का कॉलेज में हो जाएगा, जिसका फ़िलहाल कोई गारंटी नहीं है, कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। बट दैट इज़ माई फर्स्ट ब्रॉड ऑब्जर्वेशन जब मैं हरियाणा का अलॉटमेंट लिस्ट देखता हूँ कि इतने सारे बच्चे, मतलब इतने हाई मार्क्स वाले, मतलब ये सब, या देखिए ये सब बच्चे वो भी हो सकते हैं कि पर 463 वाला तो देखिए सरकारी के लिए बैठेगा नहीं, तो 463 वाले को बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज बहुत कम बजट में मिल सकते थे, तो क्या सोच के राउंड 3 में SGT लिया जा रहा है गॉड नोज। ओके, अब इसके अलावा दूसरी चीज़ जो इंटरेस्टिंग है कि 220 पे झज्जर ख़त्म हो गया, और हम ब्रॉडली मान सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर 80 लाख के बजट के अंदर अंदर जो सबसे लोएस्ट रैंक कॉलेज होगा वो वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर ही होगा। ऑफकोर्स UP का सरस्वती उन्नाव और वेंकटेश्वरा गजरौला या NCR भी उसको कड़ी चुनौती देते हैं, बट फिलहाल तो उनकी कट ऑफ ऊपर चल रही है, अभी राउंड 3 में उन्नाव में देखते हैं कहाँ तक कट ऑफ गिरती है, बट मोटा मोटी अपन मान सकते हैं 220 ही रह गया। और याद कीजिए जब ये काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी और जिस दिन पहला रिजल्ट आया था UP का, मैंने आपको यही कहा था कि 140 से लेके 200-220 नंबर वाले बच्चों को स्ट्रगल रहेगा इंडिया में सीट पाना अगर आपका बजट हॉस्टल मिला के मैक्सिमम 80 लाख है, और वो फिगर शायद एग्जैक्ट साबित हो रही है क्योंकि झज्जर 220 पे ख़त्म हुआ है। तो अब ये मान सकते हो कि इससे कम, देखिए सीट हैं, सीट तो अभी राजस्थान में आपको मिल जाएगी 200 नंबर वाले को, 180 नंबर वाले को, लेकिन 1.25 लाख के बजट में, 1.25 करोड़ के सॉरी, या संतोष था या गीतम विशाखापट्टनम में, आप 130-135 खर्च कीजिए आपको मिलेंगी, लेकिन हम बात कर रहे थे 80 के बजट में। ठीक है, तो ये पहली चीज़ आपके सामने आ गई कि 80 के बजट में सीट अवेलेबल नहीं है 140 से 200 नंबर के बच्चों के लिए मोटा मोटी एज ऑफ नाउ, अनलेस अनटिल कुछ चमत्कार हो जाए लास्ट राउंड में तो, लेकिन ब्रॉडली ये जो रेंज है 140 से 200-220, उन बच्चों को सीरियसली सोच लेना चाहिए अपना अल्टरनेट। और मैंने अभी बोला कि जो हमसे संपर्क करना चाहें, नेपाल की रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टार्ट हो चुकी हैं और 1 अक्टूबर लास्ट डेट है नेपाल का फॉर्म भरने के लिए। नेपाल का एक फॉर्म भरना पड़ता है, जैसे हमारा नीट होता है वैसे नेपाल में भी टेस्ट होता है, हमें उस टेस्ट से एग्जामिशन मिल जाती है, पर हमें ना वो टेस्ट का फॉर्म भरना पड़ता है, और वो फॉर्म नहीं भरा तो हमें सीट नहीं मिल सकती। नेपाल में वही बच्चा जा सकता है जो नीट जनरल क्वालिफाइड हो, मतलब 137 नंबर से ऊपर, और 2023 नीट क्वालिफाइड हो। तो आप में से जो लोग 140 से 210 नंबर वाले हैं जिनका स्ट्रिक्ट बजट 80 लाख था, ऑफकोर्स देखिए नेपाल में तो आपका काम 70-72 में भी टोटल हो सकता है या उससे कम में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कॉलेज आप चूज़ करते हैं विद आवर गाइडेंस एंड हेल्प। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब टाइम आ गया आपके लिए सोचने का, अगर आपका बजट नहीं है फिर भी आप स्टे के लिए वेट कर सकते हैं 5-7 दिन, लेकिन नेपाल में जैसा मैंने कहा रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं वो 8,000 नेपाली रुपीज़ होते हैं, या समझ लीजिए 5,000 रुपये इंडियन रुपीज़, और एटलीस्ट जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनसे हम वो 5,000 रुपये एक्चुअल में और सिर्फ नॉमिनल 5,000 का सर्विस चार्ज लेके 10,000 रुपये में आप लोगों की नेपाल में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ताकि आपके पास ऑप्शन रहे, समझे, और आप उसके लिए और 4 दिन वेट कर सकते हैं एक बार स्ट्रे हो जाए हरियाणा का या यूपी का। बट अगर आप में से कोई ये चाहे कि भाई आखिरी दिन रश भी हो सकता है ना, क्योंकि 1 अक्टूबर तो संडे हो जाएगा, तो कोशिश करके अगले 15 दिन का टाइम है अभी से हमारे पास, और आप 7-8 दिन देख सकते हैं, सोच सकते हैं, पर 10,000 रुपये की अगर बात बड़ी नहीं है तो आप नेपाल में रजिस्ट्रेशन करा के रखिए। आप खुद करेंगे तो बस प्रॉब्लम यही है कि बैंक वो नेपाली है, पैसा आपको यहाँ से देना पड़ता है, तो कई बार ना पेमेंट मोस्टली फेल हो जाती है। तो हम लोग तो क्या करते हैं कि जो हमारे नेपाल में टीम्स बैठी हैं
उन्हीं के थ्रू ही आपकी पेमेंट कराई जाती है, तो फिर भी पक्का काम हो जाता है। अब आखिरी और इम्पॉर्टेंट बात, मैं आज भी कहता हूँ जो आपसे नेगोशिएशन की बात हो रही है और हम भी करवा रहे हैं तमिलनाडु पांडिचेरी पर, मैं हमेशा कहता हूँ मेरा एक फ़र्ज़ है सच्चाई और ट्रांसपेरेंटली आपको चीज़ें बताना है। देखिए सीट तो आपको अलॉटमेंट से ही मिलनी है, बहुत कोई हिंदुस्तान में अब कॉलेज नहीं है, स्पेशली अगर मैं इस साल की बात करूँ जब जो मेरे फेवरेट लोग थे जो देते थे सीट चौथे राउंड में, और सीट हमेशा तभी मिल सकती है मन मर्जी से जब कॉलेज में राउंड हो रहा होता है, और वो भी सभी कॉलेज में नहीं, कुछ कॉलेज के चेयरमैन जो कि इन्वॉल्व होते थे या जो कि तैयार थे, पर इस बार चूँकि मोस्टली जगह पर ऑनलाइन राउंड हो गया है, तीसरा भी नहीं चौथा, और देखिए तीसरा राउंड अगर ऑफलाइन भी हो रहा है लाइक राजस्थान पर सबके सामने हो रहा है, तो फिर भी सीट तो आपको नंबर से ही मिलनी है। हाँ नेगोशिएशन ये होती है कि जैसे अब राजस्थान की बात करें, किसी ने बात कर रखी है कि सर 300 नंबर है मेरे और मुझे एक फलाना कॉलेज में मैनेजमेंट सीट लेनी है, हमको उस दिन अलॉटमेंट पक्का हो जाएगी हम जानते हैं, तो वो आपसे बात करके आपको डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि आप मैनेजमेंट सीट ले लीजिए, समझ रहे हैं बात को, इस तरह से है, अलॉटमेंट तो होनी ही चाहिए। सिमिलरली तमिलनाडु पांडिचेरी में लेट से भारत की अगर पूरी 200 सीटें खाली है, वो इस समय 400 की बुकिंग उठाएगा, समझ रहे हो, और वो एक रेट रखा हुआ है जो सभी को कह रहा है, लेट से चार दिन बाद किसी का दिमाग फिर जाए और कोई 300 नंबर वाला अपने आप भारत भर दे और वो पूरी फीस देने को तैयार हो, तो भारत तो उसको सीट देगा ना। तो हम राउंड अलॉटमेंट से पहले बात कर लेते हैं कि भाई हम तभी फॉर्म भरेंगे एमसीसी में जब आप मेरे को इतनी फ़ीस कमिट कर रहे हो, और अगर आपको सीट अलोकेट होगी तो आपको फ़ीस होगी, पता ये भी हो सकता है कि आप खाली रह जाओ, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो मेरे जितने क्लाइंट्स हैं जो लोग हमें फ़ोन करते हैं, हमने अभी तक इसलिए किसी का फाइनल नहीं किया था, और मैं हमेशा कहता था कि भाई मैं आज भी कहता हूँ नॉर्थ इंडियन सेंट्रल इंडियन के लिए मुश्किल है वहाँ पर जाके पढ़ाई करनी, लेकिन कभी कभार लास्ट में हमेशा कहता मरता क्या ना करता, और मैं वही रिपीट करता हूँ, नेपाल भी मैं आपको खुशी से नहीं भेज रहा, किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान भी मैं आपको खुशी से नहीं भेज रहा, हम तो चाहते हैं कि एक एक बच्चा इंडिया में पढ़े, और मैं आपको बता रहा हूँ कि 138 नंबर के लिए भी अवेलेबल है सीट, प्रोवाइडेड हम पैसा खर्च करने को तैयार हों। लेकिन अगर हम पैसा, हमारे पास दो चीज़ें, या तो बजट नहीं है कि भाई 80 या 75 की अपर लिमिट है, या हम साउथ इंडिया में नहीं जाना चाहते क्योंकि इस समय जो मेजोरिटी सीट्स होंगी जो यू नो 140 नंबर वाले के लिए भी आराम से अवेलेबल, 120 नंबर वाले के लिए भी अवेलेबल है, वो है तमिलनाडु पांडिचेरी की डीम्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ तकरीबन 500 सीटें अभी हमारे पास स्टॉक में पड़ी हैं। जो नेगोशिएशन के बाद भी आपको हॉस्टल मिला के 1 CR तो पड़ेगा ही ना, राजस्थान स्टिल 1.2, और राजस्थान में सीट की अभी गारंटी नहीं है। तो अब दो बातें हो गई, एक तो 1 CR खर्च करना, और दूसरा 1 CR खर्च करके साउथ में जाना। तो अगर आप 1 CR खर्च करके साउथ में जाने को तैयार हो, हम आपके से मदद करने को तैयार हैं। नहीं आप नेपाल में जाना चाहते हो, हम उसकी मदद करने को तैयार हैं। आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हो, बजट नहीं आपका नेपाल का भी, हम आपकी वो भी मदद करने को तैयार हैं। अब करेंगे जब तक हमने आखिरी कोशिश इंडिया में मार ली, और चाहे वो नेपाल हो चाहे वो तमिलनाडु पांडिचेरी हो। अभी आप 3 दिन सो सकते हो, मेरे पास अभी किसी का फ़ोन आया 120 नंबर कि सर आप हमारा फाइनल कीजिए, मैं कहा नहीं सर, अगर आपने राजस्थान का भर रखा है, मंडे आएगी 18 तारीख, एक बार जोर मार लीजिए 18 तारीख को, और ये जो पांडिचेरी तमिलनाडु की बुकिंग्स हैं वो मैं खुद सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप 19-20 तारीख को करेंगे, एक बार राउंड 3 के हर जगह रिजल्ट आ जाएँ, पता चल जाए, जिसे कहते हैं ना ऊँट किस करवट बैठा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और फिर हम डिसाइड करेंगे सोचेंगे कि हमें क्या करना है। तो जब राउंड 3 में खाली रह गए, हाँ हम वहाँ पर बात कर लें, इतने पता चले 2 सीटें निकल गई हरियाणा के स्ट्रे में, झज्जर की एनसी की, जो आपको मिल भी सकती थी अगर आप 190 नंबर वाले हों, तो उतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। या एमसीसी ने भी आपको 6-7 दिन का टाइम दिया है, तो हम वही कहते हैं कि आप बात करके रखिएगा और फॉर्म भरिएगा एमसीसी का, उसके हिसाब से कि बात आप कर चुके। मैं तो हमेशा कहता हूँ बात एक भी नहीं, 3 कॉलेज में करके रखिए, हमारे थ्रू चाहे डायरेक्ट, कि भाई इस ये फीस मैं आपको मैक्सिमम दूंगा, और अगर डेट्स क्लैश करती हैं, आपको कोई और मौका मिलता है नॉर्थ में कहीं पर भी स्टेज सीट्स आती हैं वहाँ भी अप्लाई कीजिए, कोई मना ही नहीं है। नेपाल का मैंने आपको बता दिया, बैकअप बना के रख सकते हैं, और इसके अलावा अब्रॉड में आप कहीं भी जाना चाहते हैं, उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आप आराम से अक्टूबर में भी अप्लाई करके जा सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास हैं। तो ये मेरा फ़र्ज़ था इस वीडियो में बताना कि स्पेशली हरियाणा के रिजल्ट के बाद अब मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा गिरेगा, मेरे ख्याल से गौतम बुद्धा भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। देखिए गौतम बुद्धा की फ़ीस फिर भी ज़्यादा है, तो गौतम बुद्धा डेफिनेटली 200 के नीचे आना चाहिए। अब 200 के नीचे कितना जाता है वो देखी जाए, और वो भी बजट तो उसका भी 90-95 का है ही, और 1 CR के बजट में तो साधोपुरी था जो आपके सामने है कि भाई 199 पे स्कोर गिरा है जो साधोपुर वाले बच्चे हैं, और उन्हीं में से किसी ने गौतम बुद्धा भरा होगा तो भरा होगा, तो उसके नीचे तो स्ट्रगल है लोगों का इस बजट में भी।
एंड देन वी हैव टू गिव रियली हैवी बजट्स, और फिर वो देखते हैं क्या होता है आने वाले 5-7 दिन 10 दिन। मैं हमेशा कहता हूँ कि अब पहले सबको काउंसलिंग से सीट मिल गई है, अब जो है 16 से शायद 30 सितंबर के 15 दिन हैं, दीज आर वेरी क्रिटिकल डेज फॉर अस ऑल्सो। हमारी टीम भी पूरी गियर्ड अप पूरा उस तरीके से है कि अब हमें भी बहुत भागा दौड़ी करना पड़ता है आप लोगों को मदद करने के लिए जिसको अभी भी सीट नहीं मिली है। ओके, बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। हमारा नंबर आप जानते ही हैं, 9643362320। हमारे काउंसलिंग सर्विस चार्जेस जो पर्सनली है वो हमने 40,000 रुपीज़ ऑफ फ्लैट कर दिए हैं, जो भी आपके नंबर हो, पर आपको फीस पहले देनी पड़ती है जो हमारा असूल है। हम उन क्लाइंट से बात नहीं करना चाहते जो 10 लोगों के साथ डील करते हैं और नेगोशिएट करते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ आप 1 करोड़ रुपये खर्च करने को तैयार हो और 40,000 खर्च करने में 40 बार सोच रहे हो तो हमें ऐसे क्लाइंट चाहिए भी नहीं। और हमारे 40 के अलावा जो भी नॉमिनल फीसेस होंगी कॉलेज की, या अगर आपको नेगोशिएटेड सीट लेनी है उसका जो एक अलग से एक उस फीस का सर्विस चार्ज होता है क्योंकि वो कॉलेज में देना पड़ता है, वो आपको बता दिया जाएगा जब आप फ़ोन करेंगे। पहले फ़ोन करने के भी हमारी चार्जेस आपको पता ही है 2,500 रुपये होते हैं और 5,000 रुपये फेस टू फेस मीटिंग के। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, आपका दिन शुभ हो। होपफुली अगले 15 दिन जो भी सब हिंदुस्तान में सीट लेना चाह रहा है उसको मिल जाए और आपको नेपाल ना जाना पड़े। आपको देखिए नेपाल, मैं हमेशा कहता हूँ इंडिया का वो है स्पिल ओवर, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी अभी तक वैलिड कंट्रीज हैं, रशिया, वो सब तो उसके लिए हैं जो बजट ही नहीं जिनके पास और वो अपना काम 30-35 लाख में ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।